मौलवी आसिम बिहारी मुसलमानों के डॉक्टर अंबेडकर। पूरी जानकारी सुनिए पूर्व डीजीपी EMW अंसारी के जुबानी। खबरें आज भी के लिए जावेद की रिपोर्ट। मैं खबरें आज भी से जावेद। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मौलाना अली आसिम बिहारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक ऐसी शख्सियत जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंटेम्पररी थे। इनकी योम पैदाइश जो है 15 अप्रैल 1891, वफात इनकी शहादत दिवस जो है 6 दिसंबर 1953 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भी अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल 1891 और 6 दिसंबर 1956 की उनकी देहांत हुआ था। ये एक ऐसी शख्सियत, एक तो पहले मैं बता दूं कि अली हुसैन आसिफ बिहारी साहब ने ढाका से लेकर लाहौर तक तमाम इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स जो आज़ादी से जुड़ी हुई थी, जो आज़ादी की मुहिम थी, कंधे से कंधे मिला के चले। और साथ साथ मैं बता दूं आपको कि ये मुस्लिम लीग जो पार्टीशन के फेवर में थे और साथ साथ जिन्ना कि उन्होंने खुल के अपोज किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे कि अपना कास्टिस्ट के खिलाफ थे, एक्सप्लोटेशन के खिलाफ थे और उसके साथ साथ बनवादी और पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ थे, उसी प्रकार इन्होंने भी अपने इस्लाम में अगर देखा जाए तो जो कास्टिज्म है, जो कफूस सिस्टम है, उसके खिलाफत की उन्होंने, इस्लाम में ऐसा नहीं है लेकिन प्रैक्टिस में है, तो उन्होंने अपोज किया। और साथ साथ उन्होंने सोशल इक्वलिटी की बात कही। मैं तो इनके बात के बारे में अपने तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि खामोश है तू फिर भी सुखन जिंदा है तेरा, बरसों तेरे हर लफ्ज़ के अफसाने रहेंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज मोमिन कॉन्फ्रेंस देखा जाए तो मोमिन अंसार सभा, मोमिन कॉन्फ्रेंस कम से कम 3-4 हज़ार ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, लेकिन उनको भूल गए। और साथ साथ जो लोग पार्लियामेंट में गए, जो मंत्री बने, वो सब लोग भूल गए। तो भाई गवर्नमेंट कहाँ से याद करेगी? जी बताएं। जी सर, क्या यह सच है कि मौलाना आसिम बिहारी भारत के डॉक्टर अंबेडकर की तरह उनकी शख्सियत है? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने डाउन स्टूडेंट के लिए काम किया अंबेडकर साहब ने, उन्होंने मुस्लिम समाज में पसमादा के लिए जो दलित मुसलमान है उनके लिए काम किया, उनमें एकता की बात कही। इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम के जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम में नहीं है लेकिन कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस में है, उसके खिलाफत की और हर मंच से उसके खिलाफ बोला। ये अगर देखा जाए कानपुर में, ऐसे तो ये एक्टिव जो है 1900 पैदाइश मतलब 15-17 साल में बहुत काफ़ी एक्टिव हो गए थे 1904-5 से लेकर 1910 के बीच में काफ़ी एक्टिव होते और काफ़ी विजिबल देखा जाए तो 15-16 से लेकर 25-25 में जो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ, खुल के उन्होंने अपोज किया और मुसलमानों के बीच जो कास्ट सिस्टम उनको अपोज किया और साथ साथ सोशल इक्वलिटी की बात कही, तालीम की बात कही, उन्होंने रोज़गार की बात कही। बहुत बड़ी बातें हैं उनके बारे में, बहुत वॉल्यूम्स किताब लिखी गई है। जी, ऐसे अजीम स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को किस तरह साजिश से दबाया जा रहा है? देखिए, साजिश तो नहीं, पहली बात तो ये कि इनके जात बिरादरी के लोगों को इनको याद करना चाहिए, गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए। भाई अमरोहा में इनके नाम से जो स्कूल था उसको तो भी बंद हो गया, वहाँ किसी ने काम नहीं किया। ये जहाँ के रहने वाले हैं बिहार में, वहाँ पर कुछ नहीं किया। इलाहाबाद में, अगर इलाहाबाद में जाकर देखा जाए तो उनकी कब्र है, उनकी कब्र का कोई नाम लेने वाला नहीं है, कम से कम निशानदेही, क्योंकि वहाँ पे एनुअल फंक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, वो भी नहीं किया। पहले इनके जात बिरादरी के, इनके घर वालों को, जिन्होंने इनसे फ़ायदा हुआ, जिन्होंने इनसे मुस्तफ़ीद हुए, उनको इनको याद करना चाहिए और गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए। मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ मैं कि जिनको बुजुर्गों, मेरे खास कर अपनी कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ, पसवाड़ा के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिनको बुजुर्गों की रवायत न रहे याद, उस शख्स को लोगों की पहचान नहीं है। 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। तो हमारे पसमादा के लोगों को इनको, इनका झंडा बुलंद करना चाहिए, इनको याद करना चाहिए, इनके सब चीज़ों पर इनको करना चाहिए। और मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करने से पहले आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग इनको याद करें, साथ साथ अम्बेडकर जैसे याद करते हैं। और यही नहीं, मैं आपको बताऊँ कि मैं तो भाई इनको हमेशा याद करता हूँ, आसिम बिहारी को लोग जानते भी नहीं होंगे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसी प्रकार इनको अम्बेडकर साहब को और इनका आसिम बिहारी साहब को, जिन्होंने सोशल इक्वलिटी की बात कही, तालीम की बात कही, जो एक्सप्रेशन उनके, इनको भी याद करना चाहिए। हमारा अम्बेडकर साहब को तो हम बाबा साहब मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और साथ साथ ये दो महान भाव जिन्होंने रेवोल्यूशन की बात की, जो इनको भी याद करना चाहिए। जब इन सबको याद करेंगे तब जाके सोशल जस्टिस मिल पाएगा। और अपनी आखिर में बात, एक बात इस शेर के साथ, कि हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है माजी से, हाल को मुस्तकबिल के खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचोगे उतना आगे जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और आप तमाम अखबार जो खबरें आती तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।